या अल्लाह, शेख जी भाग तो गए, कहीं डॉक्टर के हाथ ना आ जाए। अगर वो डॉक्टर के हाथ ओए, इसे क्या हो गया? ओए रुखसाना, कैसे बैठी है? शेख जी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, मगर मुझे तू ठीक नहीं लग रही। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो डर लग रहा था कहीं वो नसबंदी वाले। रुखसाना, मैं दालों के हाथ ही नहीं आया। मगर वो कभी भी आ सकते हैं, तुम चौकस रहना। मैं तो ठीक हूँ रुखसाना, तू ऐसा कर, मुझे भूख लग रही है, रोटी ला दे, रोटी ला दे। शेख जी, रोटी तो आज मैंने पकाई नहीं। एक बात कहूँ? हाँ, कह कह। आज रोटी तुम पका लो और मुझे 5 रुपए दे दो, मुझे हारून की बहू का मुंह देख के आना है। वाह, रोटी मैं पकाऊंगा, तू बहू का मुंह देख आएगी, मैं रोटी पक जाएगी क्या? हाँ हाँ, जैसी भी पके पका लेना, मैं अभी बहू का मुंह देख के आ जाऊंगी। ठीक है, मगर जैसी पके खा लियो, कभी मैं से लड़े। ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल भी नहीं लड़ूंगी। देख ले, अगर तेने कुछ कहा ना तो तेरा बक्कल तार दूंगा। मुझे मंजूर है, अब लाओ 5 रुपए। 5 की बजाय तो 10 ले जा, ले जा। देख हारून की बहू का मुंह। तुम कितने अच्छे हो ना। ओए, चोंचले कर रही है साली, चोंचले कर रही है। 10 रुपए में दिखा हारून की बहू मुंह, हैं? 10 रुपए लगेंगे। ओए, रोटी पकाऊं कैसे, मुझे क्या करना चाहिए? ओ, पहले चूल्हा जलाता हूँ, उसके बाद कुछ करूंगा। ठीक है, देख हारून की बहू का मुंह, मैं तो इधर रोटी पका दूंगा। अरे क्या बात है, रोज पकाते रुखसाना, मैं आज पका दूंगा तो क्या है? अब कर दूंगा, चूल्हे को पूरा भर दूंगा। ए ले, इधर भी आ जा, जला दूंगा। जला ले साली, ओ इधर, गिर रही है, गिर रही है साली। ये ले, भर गया। ओबे, अब जलाऊं कैसे? ओबे, रुखसाना भी पता नहीं माचिस कहाँ रख गई, यहाँ रखती है। ओ रखी है, ठीक है, अब जला देता हूँ। ए एल ले ले भाई, जल जा जल जा। नहीं जल रही, ठीक है, जलेगी। ए ले, जल जा जल जा। हाँ, इतनी फुकवाएगी। अब ले जल जा साली, अब कर दो लपट लपट। अब लपट कर रही है, कर रही है लपट लपट। नहीं जल रही, जल जा जल जा जल जा जल जा जल जा। ओए, ओबा जल क्यों नहीं रही? ओ अब समझा, रुखसाना आटा गूंथती है पहले, साली आटे को देख के जलेगी। ठीक है, मैं भी आटा गूंथता हूँ पहले, आटा गूंथता हूँ आटा। ठीक है, अब जलेगी, अब जल जाएगी आग। अब ऐसा करता हूँ, पहले आटा, ठीक है, ये सही है, आटा गूंद कर जब जलाऊंगा, जब जलेगी साली जान है। अब देख, अब जलेगी, अब जलेगी, आटे को देख कर जलेगी साली जान है। चूल्हा भी आटे को देख कर जलेगी। अब ठीक है, अब जलाऊंगा, लकड़ी लगाऊंगा, लकड़ी लगा के जलाऊंगा। ओबे, जलेगी, जले जल जा जल जा। नहीं जली, जल नहीं रही, जल जल जा जल जा, जल जाएगी जल जाएगी, जल नहीं रही। अब तो आटा भी गूंद लिया मैंने, पर कब नकल मुझे भी कहाँ फांस गई। जल जा कम नकद, वह लकड़ी, वह सारा चूल्हा भी फूट गया और आटा भी पतला हो गया। अब क्या करूं? ठीक है, इतना नुकसान आया कि साले उसी भाग फेंक देता हूं। अबे कौन कमबख्त है? अबे साले इकबाल की आवाज ही लग रही है। कभी भाभी ने तो नहीं डाल दिया, सारे कपड़े खराब कर दिए। अबे
रुक जरा, अभी सारी नए नए लफड़ों में फंस गई मुझे। भाभी तुम यहाँ, इसका मतलब शेख चिल्ली करामात है। भाईजन ये क्या हालत बना रखी है आपने? ये सब तुम्हारे शेख चिल्ली करामात है, उसी ने सारे कपड़े खराब कर दिए मेरे। शेख जी की? भाईजन अगर यही बात है तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। माफी की कोई बात नहीं है, समझा लेना उसको। ठीक है भाईजन। शेख जी, शेख जी, शेख जी। मैं चिल्ला मत, मेरा नहीं हूँ। बोल जल्दी, बोल क्या बोल रही है। बना लिया खाना? या अल्लाह मेरा तो चूल्हा ही फोड़ दिया और बर्तन भी फेंक दिए और लेटे हैं नवाबों की तरह, शर्म नहीं आ रही? मैं रुक जाना, फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे मेरे पे बना बना दिया। और एक बात सुन ले, मेरे हाथ आटे में सने हुए हैं। आटे में सने हुए तो मैं क्या करूँ, पागलपन की भी हद होती है शेख जी। एक दिन में पेट भर गया, हम तो रोज करें। मैं ज्यादा बड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, जाकर रोटी बना ले। या अल्लाह मैंने तो मना किया था अपने अब्बू से, फिर भी इस घर में चलने के लिए भेज दिया। पकाती हूँ अभी। सारा आटा फेंक दिया, अब मैं रोटी काहे की पकाऊं? आटा? मैं आटा तो मैंने देखा भी नहीं है। क्या कहा? देखा भी नहीं? और वो जो इकबाल गली में गाली देता जा रहा था, उस पे आटे का घोल किसने फेंका था? मैं उससे ये पूछती, दीवार की जड़ में का ऐसे कर जाता वो, पर वो खड़ा नहीं हो सकता था। अच्छा ये बताओ तुम सुधरोगे या नहीं? इसका मतलब तुम नहीं सुधरने वाले। मैं जा रही हूँ अपने अब्बू के घर। मैं रुक जाना, मान जा रुक जाना, क्यों मेरे हाथों को दुख दे रहे, वरना सारी बक्कल तार दूंगा जैसा अब्बू अम्मी का तारता था। हाँ तुम्हारी अम्मी पिटती होंगी, मैं नहीं पिटने वाली, तुम्हारी अम्मी तो पागल है। रुक जाना, अगर मेरी अम्मी को पागल कहा ना तो तेरा साथ बुरा हो जाएगा, मान जा। मैं ना मानने वाली, मैं तो तुम्हारी अम्मी को भी पागल कहूंगी और तुम्हारे अब्बू को भी। रुक जाना, देख ले और डंडा पड़ा जवान को भट में मार ले। ना बाड़ू, कर लो जो करना है, और हाँ हाथ मत लगा दियो, बहुत बुरा हो जाएगा। बुरा करेगी साली। देखो शेख जी तुम्हें पता है ना, अगर मैं नाराज हो गई तो 3 दिन तक नाराज रहूंगी। मैं तुझे पता, जब मैं मारता हूँ 3 दिन तक लगातार मारता हूँ साली। कभी ना मारो, बता रही हूँ, अगर माँ का दूध पिया तो हाथ लगा के दिखाओ। माँ का दूध पिजाएगी, मगर मत बोले साली। साली ये ले, बोलेगी साली। कर दे माँ फिट कर दे माँ साली, सेक्सी से पंगा लेगी साली। मेरी बात कितनी मार रही है। अरे पागल, औरत का क्या पीटना है तो किसी मर्द को पीटो। मर्द को क्या कहा? मर्द को पीटू। हाँ ठीक है, रुक जरा, तू अंदर जा, अंदर चली जा। तू तो मर्द है ना। मर्द है। आया साला, रुक सारा की हिमात लेगा। बहुत हो लिया ड्रामा, अब मैं जा रही हूँ अपने अब्बू के घर। मैं मुझे बता रुक सारा तेरी, तू 3 दिन तक नाराज रहेगी। 3 दिन की बात नहीं है, मुझे लेना आ मत जाना, वरना अब्बू से कह के बहुत पिटवाऊंगी। और हाँ एक बात और, उधर को पैर करके भी मत सो जाना। अच्छा हाँ जा, निकल ले। जा रही हूँ मैं अब नहाने की। जा, मुझे जरूरत नहीं है तेरी, जा चली जा। बस आले अपना आप आती फिरेगी चौथे दिन। हाँ मुझे पता, 3 दिन तक रहेगी तू गुस्सा। या तो यार चिड़ी मौज में, शेख चिल्ली मजे में रहेगा, चौथे दिन अपना आप आएगी। हाय हाय मार दिया, हाय हाय मार दिया, हाय मर गया, हाय हाय शेख चिल्ली के बच्चे तेरा सत्यानाश हो, मुझे इतना मारा तूने, हाय मर गया, हाय।
अरे क्या हुआ, क्यों घेर फाड़ रहे हो और क्यों चिल्ला रहे हो इतना? अरे क्या हाल बना रखा है तुमने? अरे मैं निकला जा रहा था, उस शेख चिल्ली के बच्चे ने मेरे ऊपर आटे का पानी डाल दिया। कोई आटे के पानी से चोट लग गई है जो चिल्ला रहे हो? अरे वो शेख चिल्ली अपनी बीवी को पीट रहा था, मैंने सोचा उसकी बीवी को छुड़वा दूं। जैसे मैं छुड़ाने के लिए गया उसने मेरे पे लठ बजा दिया, मैं तो भाग आया वरना वो मुझे जान से मार देता। मगर तुम गए क्यों थे उधर? अरे गया क्या था, आज गांव में नसबंदी वाले आने वाले थे, मैंने सोचा शेख चिल्ली को चौकन्ना कर दूं, उसने तो मुझे ही चौकन्ना कर दिया।